इस बीच रुक करेंगे बिहार का, क्योंकि कल चुनाव का पहला दौर है, लेकिन वोटिंग से एंड पहले मुंगेर में बवाल हुआ। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर विवाद ऐसा गरमाया कि गोलियां तक चल गई और इस बवाल में एक शख्स की जान चली गई, 6 जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि बवाल के दौरान शरारती तत्वों ने 12 राउंड गोलियां भी चलाई और मौके से 12 खाली कारतूस मिले हैं। 3 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची है। सरकार ने गोली मारा आम आदमी को। हो गया, आप पुलिस वाले, पुलिस वाले आप फायरिंग फायरिंग। आओ देखा ना ताओ, जो सामने आया उसी पर लाठियां बरसने लगी। माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास बैठे लोगों पर ऐसी लाठियां बरसी कि आप सिहर उठें। लाल शर्ट वाले लड़के की ऐसी धुनाई हुई कि कहना क्या। हो गया, आप पुलिस वाले, पुलिस वाले आप फायरिंग फायरिंग। वर्दी वालों के साथ सफेद टी शर्ट वाला शख्स भी कम नहीं है। देखते ही देखते और पुलिस वाले आ गए, फिर दुर्गा विसर्जन के लिए जाते ट्रक पर बैठे लोगों पर टूट पड़े। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी कि किसे मार रही है और कहां मार रही है। अब सीन नंबर 2 भी देख लीजिए, गली से निकलकर लोग बेतहाशा भाग रहे हैं। एक जत्था एक तरफ भाग रहा है तो दूसरा जत्था दूसरी तरफ दौड़ लगा रहा है। पीछे पीछे पुलिस के जवान लगे हैं। हो गया आज, हो गया आज, हो गया आज, मौका है भाई। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। बड़ी दुर्गा के पास भगदड़ मची। बवाल की एक और तस्वीर देखिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए लोग जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। हंगामा, बवाल और लाठी तंत्र वाली तस्वीर बिहार के मुंगेर की है, जहां चुनाव सिर पर है। सोमवार को दुर्गा विसर्जन को लेकर विवाद हुआ और मुंगेर का पंडित दीनदयाल चौक मैदान जंग में तब्दील हो गया। सरकार ने गोली मारा आम आदमी को, प्रशासन गोली मार रहा है। विवाद दुर्गा विसर्जन की टाइमिंग को लेकर शुरू हुआ था। जिला प्रशासन ने 26 नवंबर की शाम 6 बजे तक विसर्जन की डेडलाइन रखी थी, लेकिन विसर्जन में देरी होने पर शहर के बीचों बीच प्रशासन और प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। असामाजिक तत्व पथराव करने लगे। मामला बिगड़ते देख पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हो गए। बैठे बैठे घर के बाहर, मतलब कि इसके घर के आगे में तो आया प्रशासन, मारने लगा, मारते मारते फिर और मारने लगा, फिर लपेटने लगा, फिर मारा, फिर भागा। तो गोली भी चली थी क्या? लाठी चार्ज किया, भागदड़ हो गया, भागदड़ के बाद हम साइड हो गए, उसके बाद उधर से धार धार गोली चलने लगा, जो इधर लग गया। आपको भी लगा गोली? हाँ, साइड। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रही है। कई पुलिस वाले भी इस हंगामे में जख्मी हुए हैं। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई, कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी को का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। बवाल के बाद मुंगेर में तनाव है। कल की वोटिंग को देखते हुए प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।